हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और यहाँ पे देखिए कुछ भिंडी लगी हुई है और इनको आज मैं तोड़ लूँगी, क्योंकि अब अगर इनमें रहने दिया मैंने पौधों में इनको तो ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएंगी। और जब से इधर बारिश हुई है तो काफ़ी भिंडी निकली है और अभी भी निकल रही है, इसमें फ्लावर आ रहे हैं, नई भिंडी तैयार हो रही है। ऊपर से लेके नीचे प्लांट में देखिए हर जगह भिंडी लगी हुई है और काफ़ी अच्छी भिंडी मिली है आज मुझे। और गार्डन का अभी सितंबर अक्टूबर में काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम निकल ही आता है। यहाँ मिट्टी को मैं लगातार एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है इसी तरीके से धूप में सुखा रही हूँ। और ये जो भी मिट्टी है इसमें पहले लोबिया लगी हुई थी, तो इनकी जो जड़ें थी उनमें निमाटोड वाली दिक्कत आ गई थी। तो मिट्टी को सबसे अच्छा तरीका है अच्छी तरीके से 10 से 12 दिन धूप में सुखा लिया जाए और उसके बाद ही उसमें किसी तरीके का प्लांट लगाया जाए, वही काम मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए कुछ कटिंग मेरी तैयार हो गई थी, तो साथ ही साथ मैं दोनों ही काम करती जा रही हूँ। गार्डन में जो भी ग्रो बैग खाली हो रहे हैं उनसे मिट्टी निकाल के धूप में सुखाती जा रही हूँ, और जो भी कटिंग मेरे तैयार हुए थे उस कटिंग को भी मैं रिपोर्ट करती जा रही हूँ, मिट्टी में उनको शिफ्ट करती जा रही हूँ। इससे धीरे धीरे जो भी कटिंग है वो सेट हो जाएंगी सर्दी आने के पहले, और गार्डन की मिट्टी जब सूख जाएगी तो उसमें नया प्लांट भी मैं लगा सकती हूँ, वेजिटेबल प्लांट्स। तो यहाँ पे देखिए कुछ फाइकस की कटिंग है, कुछ एक्लिफा है, एलमांडा वाइन है, सबको आज मैं रिपोर्ट कर लूँगी। 4-5 पौधे हैं तो एक ही साथ बैठ के सभी पौधों को रिपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और 5-5, 6-6 पौधे इस तरीके से हम अगर रिपोर्ट करते हैं तो ईज़िली वो लग भी जाता है और सही से सेट भी हो जाते हैं। कुछ कटिंग बिल्कुल रेत में लगी हुई है तो उनको मिट्टी में लगाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रेत में किसी भी तरीके से एक पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ता नहीं है, और जब उसको मिट्टी और थोड़ा सा कंपोस्ट अगर मिल जाता है तो उसमें बहुत अच्छे से चलता है। जो भी मिट्टी मैंने तैयार की उसमें बहुत ज़रा सा मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाया है, बहुत ज़्यादा अभी नहीं मिलाया क्योंकि इनकी जड़ें अभी बहुत सॉफ्ट हैं। 4 से 5 बार मैं कटिंग को रिपोर्ट कर चुकी हूँ और अभी भी गार्डन में ढेरों कटिंग मेरे लगे हुए। और यहाँ पे देखिए एलमांडा वाइन, कितने ढेर सारी कटिंग मैंने एक ही पॉट में लगा दी थी और सब के सब तैयार हो गए हैं, इसमें से 2 कटिंग खाली ख़राब हुई है। तो इनको भी अगर मैं चाहूँ तो अलग अलग गमला दे के कई पौधे नए तैयार कर सकती हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा पौधे तैयार करके फिर रखने की दिक्कत हो जाती है, तो मैं 2-2, 3-3 कटिंग एक ही पॉट में लगा दूँगी। और इससे क्या होगा कि पौधा बहुत जल्दी घना भी हो जाएगा और ढेरों फ्लावर उस पर दिखाई देंगे। अभी देखिए ये मिट्टी अभी जो मैं सुखा रही हूँ इसमें कल मैं गोबर की खाद मिला के इसमें कुछ पौधे मेरे तैयार हो गए हैं सब्जियों वाले, उनको शिफ्ट कर दूँगी। जैसे जुकनी का पौधा है या बैंगन है, शिमला मिर्च है, इन पौधों को मैं शिफ्ट कर दूँगी। और यहाँ पे कुछ मेरे जो कटिंग मैं लगा रही थी वो कटिंग मेरी सारी लग गई है, इसमें मैं पानी दे दे रही हूँ और 2 से 3 दिन इनको अभी छाया में रखूँगी, उसके बाद फिर इनको किसी जगह शिफ्ट कर दूँगी जहाँ पे ये पौधे अच्छे से चलें। तो मिट्टी खाली जब हम करते हैं उसके साथ साथ गमलों में भी हमें धूप दिखा देना चाहिए, उससे जो भी उसमें फंगस हो या कीड़े मकोड़े कुछ भी इस तरीके की चीज़ें हों वो धूप लगने से ख़त्म हो जाती हैं। और अभी सितंबर के टाइम में अक्टूबर के समय काफ़ी तेज़ धूप हो रही है, तो इसमें अगर एक हफ्ते का भी टाइम हम लोगों को मिल जाता है मिट्टी सुखाने का तो बहुत अच्छे से वो काम हो जाता है, मिट्टी हमारी फिर से रिचार्ज हो जाती है नए पौधों के लिए। और यहाँ पर देखिए सभी पौधे लग चुके हैं, सेट हो चुके हैं, और इतना काम है अभी अक्टूबर के मंथ में कि पूरा गार्डन बिखरा हुआ है। उसके बाद अभी मिट्टी सुखाने के बाद पौधों को लगाने के बाद मिट्टी सिमट जाएगी, उसके बाद सभी पौधों में मुझे फिर कंपोस्ट देना है। और यहाँ पे देखिए कुछ पौधों की जड़ें हैं, कि देखिए लोबिया की जड़ें हैं और किस तरीके से इसमें गांठें बनी हुई हैं, यही पहचान होती है नेमाटोड की, कि जड़ों में गांठें बन जाती हैं और वहाँ से फिर पौधा धीरे धीरे इसकी वजह से सूखने लगता है। इसका एक और अच्छा उपाय है कि जब मिट्टी अच्छी तरीके से धूप में सूख जाए तो कम से कम उसमें एक हफ्ता हम कोई भी प्लांट ना लगाएं। अभी जब मैं मिट्टी तैयार करूंगी उस समय उसमें नीम की खली और सरसों की खली दोनों को मिला के पानी दे के ग्रो बैग में एक हफ्ते के लिए कम से कम छोड़ दूंगी, तो उससे भी बहुत ज़्यादा मिट्टी हमारी सही हो जाएगी, बहुत हद तक
ये जो नीमाटोड वाली दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं मिट्टी को भर दूंगी और उसको जैसे बताया है उसी तरीके से सेट कर दूंगी। तो गार्डन का काम कभी ख़त्म नहीं होता है और आज पूरे दिन मैं यही सब करती रही। अभी मिट्टी सुखाने में मुझे कम से कम 3 से 4 दिन और लगेंगे सब कुछ सेट करने में, उसके बाद मैं कहीं अपना गार्डन साफ़ सुथरा कर पाऊँगी। तो ये थी आज की वीडियो कि मैंने कौन कौन से काम किए, अभी गार्डन में क्या चल रहा है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।